الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بزرگوں اور بھائیوں نوجوانوں محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اس وقت سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں فرمایا گیا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا ضرور تمہارا امتحان ہوگا تمہارے مالوں کے سلسلے میں بھی مالوں کا نقصان بھی ہوگا جائیداد کا بھی نقصان ہوگا دین کے راہ میں خرچ بھی کرنا پڑے گا اور جان کا بھی نقصان ہوگا اللہ کے دین کے راستے میں اور یہ بھی ہوگا ضرور ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے اپنی کتاب دی تھی یعنی یہود و نصارہ ان سے بھی اور جو مشرک قومیں ہیں ان سے بھی بہت تکلیف دہ باتیں لازماً سننی پڑیں گی تمہیں جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ہیں اور جو مشرک ہیں ان سے لازماً تمہیں بہت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی تو ایسی صورت میں اگر تم نے صبر کیا ان تمام باتوں پر ان الزامات پر تکلیف دہ باتوں پر اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی یہ عظیمت کی بات ہوگی ایسی بات ہوگی جس پر آدمی اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب کہ آدمی عمل کا پکا ارادہ کرے اور جس کی بہرحال ہمیشہ سے تاکید کی جاتی رہی ہے تو میرے دوست اور ساتھیو اگر آپ آج کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ پوری طرح ان حالات پر صادق آ رہی ہے مسلمانوں پر امت مسلمہ پر ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک طرح کے الزامات نہیں ہیں ایک طرح کے اعتراضات نہیں ہیں
यहूद नसारा की तरफ से भी और मुशरिकीन की तरफ से भी बेशुमार किस्म के इतराजात हैं। कुरान ने तो जगह कहा कि ये तो उस वक्त तक खामोश नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें अपने दीन से ना फेर दें, वलन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा तुमसे उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनका दीन या उनका रास्ता ना इख्तियार करो और उसके पीछे ना चलो। उनसे साफ साफ कहो कुल इन्ना हुदल्लाह हुवल हुदा, तुम्हारे पीछे चलने का सवाल नहीं पैदा होता। हिदायत तो वो है जो अल्लाह ने दी है, वो इस्लाम की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो कहा गया कि तरह तरह के एतराज़ात होंगे, इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। तो तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र से इसका मुकाबला करो और अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारो। यही कामयाबी की कलीद है और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसकी ताकीद हमेशा से होती रही है और दिल में जब तक अज़्म इरादा ना हो इस पर अमल नहीं हो सकता। तो अब आप देख रहे हैं कहीं से तो कहा जा रहा है कि मुसलमान जो मदरसे चला रहे हैं ये दहशतगर्दी का अड्डा है, कभी कहा जा रहा है कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, और कभी कोई और बात कही जाती है। जितनी गलत बातें मंसूब की जा सकती हैं किसी जमात की तरफ वो आप पर मंसूब आपकी तरफ मंसूब की जा रही हैं। और कभी हैरत होती है कि कोई भलाई आपकी तरफ मंसूब नहीं होती, क्या 15-20 करोड़ की आबादी के अंदर कोई खूबी ही नहीं है? किन लोगों से आपका वास्ता पड़ा है जिनको आपके अंदर खराबी ही खराबी नज़र आ रही है? आपके मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे बन गए हैं जहाँ दीन की तालीम होती है। आप लड़कियों का अगवा करते हैं लव जिहाद के नाम से। मेरे दोस्तों और साथियों, ये मदरसों के बारे में जो बात कही जाती है ये चली उस वक्त जबकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा एक तरह से हो गया। अब सारी बात आपको मालूम है, कहानी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो तंजीमें थीं उनको हटाकर तालिबान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। जो मुश्तरका तंजीमें थीं वो चला नहीं सकीं अफ़गानिस्तान को। ये तालिबान दीनी मदरसों के फारिग थे। अमेरिका ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, कुछ उनकी गलतियां भी थीं इसमें, और इनसे अफगानिस्तान ही को नहीं पूरी दुनिया को ख़तरा है, पूरी दुनिया को ख़तरा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान कितना बड़ा मुल्क है, उसमें तालिबान की कितनी ताकत होगी। लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये मदरसों के पढ़े हुए हैं और ये दहशतगर्द हैं और ख़तरा अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी है, सारी दुनिया के लिए है। तो मदरसों पर निगाह रखने की ज़रूरत है कि वहाँ से ऐसे ही दहशतगर्द पैदा होते हैं। अमेरिका ने यह बात कही ही तो जो लोग अमेरिका की पॉलिसी पर चल रहे हैं उन्होंने कहा कि हाँ साहब, मदरसों को देखना चाहिए। तो हिंदुस्तान तो जाहिर है कि अमेरिका के इशारों पर काम करता है, यहाँ भी लोगों ने कहा कि यहाँ भी मदरसों को देखना चाहिए। ये मदरसे आजकल से नहीं सदियों से हैं, लेकिन अब उनको ख्याल हुआ कि यहाँ दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं। लेकिन मदरसों का मामला ये है कि ये मदरसे खुले हुए हैं, कभी कभी तो मस्जिद के अंदर ही मदरसे चलते हैं, मस्जिद और मदरसा एक होता है। हर शख्स को आज़ादी है
کہ جب چاہے وہاں جا کے دیکھے. اس میں مسلمان غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں, جو چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ امریکہ کے کہنے پر آپ کچھ کریں, آپ جائیے وہاں دیکھیے. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں آئیے, ان مدرسے میں جانا چاہتے ہیں جائیے, دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے, ان کا نصاب کیا ہے, کریکولم کیا ہے ان کا, کیا پڑھاتے ہیں. آپ ان کی کلاسوں میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ کے دیکھیے اور بتائیے کہ وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کمیاں ہیں. ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کیا اس پڑھائی کی وجہ سے کوئی آدمی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ صاحب 5-6 سال پرانا کورس پڑھا رہے ہیں. مان لیا, اب اس بحث میں نہ پڑھیے. آپ تو صرف یہ بتائیے کہ جو کچھ وہ پڑھا رہے ہیں اس سے دہشت گرد پیدا ہوں گے. آپ کہیں گے کہ بیوقوف پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی مان لیا ہم نے. دنیا سے بے خبر لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی مان لیا. ہمارا سوال بہرحال پھر بھی باقی رہے گا کہ کیا اس تعلیم سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں؟ آئیے, کہیں آپ کو کسی نے روکا نہیں. آپ امریکہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو یہاں سے مدرسے موجود ہیں, صدیوں سے موجود ہیں. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, مسلمان یہاں 1000 سال سے ہیں تو 1000 سال سے یہاں مدرسے موجود ہیں کسی بھی شکل میں. تو آج آپ کو ان کی خرابی نظر آ رہی ہے. آپ جائیے, ان کا نصاب دیکھیے, ان کی تعلیم دیکھیے, وہ کیا پڑھاتے ہیں یہ دیکھیے, ان کے اساتذہ سے ملیے, ان کے لڑکوں سے ملیے, ان سے بات کیجیے کہ ابھی کیا پڑھاتے ہیں آپ. اس کی آپ نے ضرورت نہیں محسوس کرتے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہوتا تو اس بات کی کوشش کرتے, آپ کے جاننا چاہیے اسے. کبھی کہا جاتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے, یہ جو پڑھاتے تو قرآن حدیث ہی ہیں, سارے فتنے کی جڑ تو یہی ہے جسے یہ قرآن حدیث کہتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, ساری مصیبت اسی میں ہے. یہی بچوں کو دہشت گرد بناتے ہیں جسے یہ قرآن حدیث کہتے ہیں بہت مقدس چیز ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن و حدیث سے 1000 سال سے پڑھا رہے ہیں ہم, آج تو نہیں پڑھا رہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کے پڑھنے والے دنیا کے بہترین انسان ثابت ہوئے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, انسانوں کی بھلائی چاہنے والے, ان کی خدمت کرنے والے, ان کے لیے جان دینے والے پیدا ہوئے ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کسی بھی کتاب کے ذریعے ایسے افراد نہیں پیدا ہوئے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں سر اب پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ بتائیے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں یا حدیثیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں بھی بہت تلاش میں ہوں. آپ انگلی رکھ کے بتا دیجئے کہ یہ ہے جہاں سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. آپ بتا نہیں رہے. وہ 1000 سال میں تو ایسے آدمی پیدا ہوئے, ان میں سے بعض کو آپ صوفی کہتے ہیں, نیک لوگ کہتے ہیں, خدا ترس کہتے ہیں, کہیں ہاتھ جا کے ان کے چومتے بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. جس کتاب سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کہیں گے یہ پیدا ہو رہے ہیں ایسے دہشت گرد. میرے دوست اور ساتھیوں, صحیح بات یہ ہے کہ امریکہ نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے سوچنے سمجھنے والے کے اندر, یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پلٹ کے پوچھ سکے کہ بھائی ان مدرسوں کو تو ہم نے بہت دیکھا ہے, ایسی بات نہ کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رویہ کسی صحیح آدمی کا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آپ نے مدرسے کے لڑکوں کو پکڑنا شروع کیا. چند دن بعد معلوم ہوا کہ بھائی ان میں کوئی واقعی دہشت گرد نہیں ہے. مقدمات ہو جاتے ہیں, جیت جاتے ہیں, ایک آدھ پھنس بھی جاتا ہے. اب اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ بھائی دہشت گرد آتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب دیکھا انہوں نے تو کہا کہ صاحب یہ
जो काम ये कर रहे हैं ये मदरसे के लड़के नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के जितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जैसे मंसूबे बना रहे हैं, ये मदरसे के लड़के नहीं कर सकते, ये आला तालीम याफ्ता लोग कर सकते हैं। हाई एजुकेटेड लोग जो हैं वही कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटियों के लड़के हैं, कॉलेजों के लड़के हैं, जो हालात से बाखबर हैं और इन हालात में क्या करना है उसे भी जानते हैं, ये वो लड़के हैं। तो हम कहते हैं कि भाई इसमें कसूर किसका है? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियां तो आप ही पर चला रहे हैं ना। कॉलेज और यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे तो आपके हाथ में हैं। तो ये कहा जाए कि चूंकि वहां से आप दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, इसलिए इन यूनिवर्सिटियों को बंद कर दीजिए। आपने देखा कि भाई हम तो नौकरी नहीं दिला रहे हैं, ये लड़के अपनी मेहनत से कोशिश करके कुछ नौकरियां भी हासिल करते हैं और ख़ास तौर पर मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी ज़हानत की वजह से उनको ले रही हैं। अब इनको कैसे क्रश किया जाए? वरना तो कुछ ना कुछ इनकी मईशत भी बेहतर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर बाहर की जो कंपनियां हैं वो सलाहियत को देखती ही ये नहीं देखती कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम। तो उन्होंने कहा कि इसे ख़त्म करो वरना ये मईशत के लिहाज से भी उभरेंगे। तो हम कहते हैं अगर यहाँ से ये पैदा होते हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि इन यूनिवर्सिटियों को बंद कर दीजिए, इन तालीमी इदारों को बंद कर दीजिए और दहशतगर्द पैदा करना छोड़ दीजिए। मदरसे तो चंद हैं, आपकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के मुकाबले मदरसे तो चंद हैं, तो क्यों नहीं करते आप? और फिर ये है 20 बरस से आप कम से कम 20 बरस से बात कह रहे हैं, आपके पास तो बड़े प्रूफ होंगे, इसके बहुत सबूत होंगे। जी चाहता है कि वो प्रूफ भी दें आप कि बताएं कि साहब ये रिकॉर्ड है, फला मदरसे से ये चीज़ निकली, फला मस्जिद से ये चीज़ निकली और ये सब मौजूद हैं और जो तमाशे आप होते हैं वो सारी दुनिया को मालूम है। अभी आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा। अब क्या कहा जाए इस मुल्क का? गैर मुस्लिम मदरसे चला रहे हैं और किस मकसद से चला रहे हैं वो मालूम है आपको? गवर्नमेंट जो रियायतें दे रही है खूब हासिल भी कर रहे हैं, बोर्ड लगा के उन्होंने मुसलमानों का नाम बदल के चला रहे हैं। आज ही के अखबार में पढ़ा होगा आपने। सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है? और अगर जहाँ तक वफादारी का ताल्लुक है, मुल्क की वफादारी का, जो लोग एक बात कह रहे हैं, इन मदरसों के फारिगीन ने इस मुल्क के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जिसका 10वां हिस्सा भी उश्र अशीर जिसे कहते हैं इन लोगों ने नहीं दिया होगा। उन्होंने इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, उसका 10वां हिस्सा भी इन्होंने नहीं दिया। बल्कि सही बात यह है कि गैर मुल्की हुकूमत को बाकी रखने की आपने कोशिश की, और उनकी मुलाजमतों के लिए जान देते रहे। हम लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कासा लेसी, वो करते रहे आप, उनके चमचे चाटते रहे। और आप हमसे कह रहे हैं जब इख्तदार आ गया तो कह रहे हैं कि इस मुल्क के मुहाफिज हम हैं। तो मेरे दोस्त और साथियों, ये जो तमाशे हो रहे हैं, कुरान कहता है कि सब्र करो, सब्र करो, तकवा करो, मुश्किल काम है लेकिन सब्र करो, ये बादल छट जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा हमेशा। इसलिए हम सबको इसका ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि फितने कहाँ से आ रहे हैं। और अगर ऐसे मौके पर आपने जज्बात का मुजाहरा किया, पकड़ लेंगे। देखा हमने कहा था नहीं, ज़रा सी बात हो तो हंगामा करते हैं।
मगर आपने कहा अच्छा साहब देखेंगे, तो फिर आदमी की हिम्मत नहीं बाकी रहती। अब ये लव जिहाद वगैरह भी इसी तरह के मसाइल हैं। सही बात ये है, इसके लिए माहौल आपने फराहम किया है, हमने नहीं। और आप जितने परेशान हैं उससे ज़्यादा हम परेशान हैं, आपको उसका एहसास नहीं है। जिसे आप लव जिहाद कह रहे हैं वो मसला आपसे ज़्यादा हमारा है। आप कहते हैं कि साहब लव मैरिज जायज़ है, किसी भी मज़हब का दो लड़के जो है शादी कर सकते हैं, लड़का लड़की किसी भी मज़हब का हो, एक हिंदू हो एक मुसलमान हो, लेकिन हमारा मसला ये है कि आपने तो ऐसा माहौल पैदा कर लिया, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, डॉक्टरेट तक, मुलाजमत तक, हर जगह लड़के लड़कियां साथ रहेंगी। हमने ये माहौल नहीं बनाया है, आपने बनाया है, और हम मजबूरी हो जाती है बाज़ औक़ात। अब उसमें कह रहे हैं कि मोहब्बत के साथ शादी कर लें, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हमारा लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है, या कोई हमारी लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो हमारे नज़दीक निकाह ही नहीं होता। आपसे ज़्यादा हमारी परेशानी है, उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है। वो दावा नहीं कर सकते कि नफका लाओ हमारा, खर्च दो हमारा। बल्कि इससे आगे की बात यह है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो कोड़े बरसाएगी उन पर। मसला हमारा है और आप प्रश्न बता रहे हैं, कह रहे हैं सब ज़बरदस्ती करते हैं। आपकी बात उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं कि ये तो ठीक है, हालांकि यही गलत है। हमारे नज़दीक कुछ सही नहीं है। कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही अच्छा लड़का हो, अगर उस मुसलमान लड़की उसके यहाँ जाती है तो वो शादी नहीं हुई हमारे यहाँ। कितनी ही जगह उसे रजिस्टर करा लीजिए, कोर्ट फैसला भी कर दे, लेकिन हमारे यहाँ शादी नहीं हुई, वो हराम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जितनी ज़िंदगी है उनके बच्चों का किसी का हक नहीं है कि दूसरे पर। तो मसला हमारी परेशानी का है, और आप अपने सर ले रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं, और कहते हैं कि सब ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्ती कौन कर रहा है? आप उन लड़कों के बारे में कह रहे हैं या उन लड़कियों के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने 25-25 बरस तक आपके मदरसों में तालीम हासिल की और मुलाज़मत कर रहे हैं, 20-25-30 बरस उनकी उम्र है। तो आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में हर एक को आज़ादी का हक है। किसने दबाया उनको, किसने क्रश किया? और क्रश किया तो क्या इतने बेवकूफ़ हैं बोला कि किसी ने कह दिया शादी कर लेंगे तो मज़हब बदल दिया उन्होंने? आप खुद सोचिए भाई, एक आम आदमी के बारे में तो आप कह सकते हैं, किसी पढ़े लिखे लड़के या लड़की के बारे में ये कहना कि साहब इसे दबाया। आज के दौर में, आज़ादी के ज़माने में, इस खुली फ़ज़ा में पढ़ा लिखा लड़का या पढ़ी लिखी लड़की ये कह सकती कि मुझे दबाया गया? मेरे दोस्त और साथियों, आपके खिलाफ एक फ़ज़ा है। कुरान की तालीम यह सब्र, ये चीज़ रहेगी नहीं। हाँ, अगर तुम जज्बात में आ गए हालात बिगड़ सकते हैं। इन हालात में हम अल्लाह की हिदायत पर भी अमल करना चाहिए और बाखबर भी रहना चाहिए, और अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने लोगों को, जिनसे भी आपके ताल्लुकात हैं, बताना चाहिए कि भाई ये मौका जज्बातियत के मुजाहरे का नहीं है, सब्र का, सबात का, इस्तिकामत का, हिम्मत का करना है। ये ज़माना आएगा चला जाएगा, ये कोई चीज़ बाकी नहीं रहती दुनिया में। आदमी ये समझ ले कि इस वक्त जिस पोजिशन में मैं हमेशा रहूँगा, ये भी सही नहीं है। वो ऐसी बात होगी कि नादान ये समझे मैं हमेशा जवान रहूँगा, अरे भी बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी, सब कुछ सामने रख के सोचो। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें अर्ज़ की गई हैं उनको आप भी याद रखें, मैं भी याद रखूँ, और इसे फैलाएँ। ये कुरान की हिदायत है कि ये सब कुछ होगा, लाजिमन होगा, सब्र करो, इसी में तुम्हारा इम्तिहान है। अल्लाह ताला से दुआ है इन बातों पर अमल की मुझे और आपको तौफीक इनायत फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम रब्बुन हलीम।